शादीशुदा बहन के साथ प्रेम संबंध बनाकर कैमरे में अश्लील वीडियो कैद करने वाले प्रेमी को समझाने गए भाई ने उसे मौत के घाट उतार दिया। गंगानगर में सरेआम हुई इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि हत्या करने के बाद आरोपी भाई ने खुद पुलिस स्टेशन पहुंचकर आत्मसमर्पण भी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक बहन के प्रेमी ने बहन की आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दी। इस बात की जानकारी जैसे ही भाई को पता चली तो वो बहन के पूर्व प्रेमी को समझाने के लिए गंगानगर से उसकी दुकान पर पहुंचा, लेकिन बात समझने की बजाय विवाद में तब्दील हो गई। इस दौरान युवक ने बाजू में पड़ी लकड़ी से सिर पर हमला कर दिया। इस हमले में प्रेमी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद आरोपी गिट्टी खदान थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और इलाज के लिए उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम कपिल डोंगरे, उम्र 36 वर्ष है। वहीं आरोपी का नाम राहुल बिसेन, उम्र 25 वर्ष है। जानकारी के अनुसार आरोपी और मृतक दोनों ही एक ही मोहल्ले में आजू बाजू रहते हैं। स्कूल टाइम से ही राहुल की बहन के साथ कपिल के प्रेम संबंध थे। हालांकि 12 साल पहले राहुल की बहन की शादी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों के बीच प्रेम संबंध बने रहे। कुछ दिनों पहले मृतक आरोपी की बहन से मिलने के लिए दुर्ग पहुंचा था, जहां दोनों के बीच संबंध बने। इसी दौरान मृतक ने कई वीडियो भी बना लिए। वहीं नागपुर वापस आने के बाद उसने ये सारे वीडियो राहुल के जीजा को भेज दिए। इस वीडियो को लेकर आरोपी की बहन और उसके जीजा के बीच विवाद होने लगा। वहीं इस बात की जानकारी बहन के पति ने राहुल को दी। बहन और जीजा के बढ़ते विवाद को देखते हुए बीते 8 दिन पहले राहुल ने मृतक कपिल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि इसके बाद भी मृतक लगातार फोटो और वीडियो प्रेमिका के पति को भेजता रहा। मंगलवार को राहुल कपिल को समझाने के लिए उसकी दुकान पर पहुंचा। उसने कपिल को बहन से दूर रहने की बात कही, लेकिन यह बातचीत विवाद में बदल गई। बात इतनी बढ़ गई कि राहुल ने बाजू में पड़े डंडे से कपिल के सिर पर वार कर दिया। राहुल उसे जब तक मारता रहा जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। इसके बाद वह सीधे गिट्टी खदान थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण भी कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और कपिल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपी राहुल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच पुलिस कर रही है। राहुल भिसेन, एज 25 इयर्स, इसने कपिल डोंगरे का मर्डर किया गंगानगर में। कपिल डोंगरे के डोंगरे का राहुल भिसेन के सिस्टर के साथ कुछ इंटीमेट रिलेशन था और उसने कुछ इंटीमेट सीन्स उसके मोबाइल में रिकॉर्ड किए थे, तो वो इंटीमेट सीन्स कुछ वायरल हो गए थे। इसलिए राहुल बिसेन कपिल डोंगरे को पूछने गया कि तू ये वायरल क्यों कर रहा है। उस पर उनसे उन दोनों में झगड़ा हुआ और उधर एक जो एक डंडा पड़ा था तो उससे उसने झगड़े में वो दोनों भी एग्रेसिव हो गए और उसमें इसने राहुल ने कपिल डोंगरे को सर पे वार करके मारा है। आरोपी खुद पुलिस स्टेशन में आया 3 बजे के दरमियान और उसने खुद ने बताया कि ऐसे उसके सिस्टर का जो भी है ये वीडियो वायरल करने वाला था, इसलिए वो उसने उसे उसका मर्डर किया है। उसने खुद ने बताया और वो खुद पुलिस स्टेशन आया था। NBC न्यूज़ के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ अक्सा अंसारी की रिपोर्ट।